प्यारे अजीज़ दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि अल्लाह तबारक व ताला के रहमो करम से उसके घर में बेशुमार बरकत हो और वो हर तरह की आफत और हर तरह की बला हर परेशानी से बच सके। साथ के साथ उसके घर में बेशुमार तरक्की हो ताकि उसे दुनिया की हर तरह की ज़रूरत को पूरा करने की सहूलियत मिल जाए। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आज आप लोग घर में खैर व बरकत के लिए, कारोबार में बेशुमार तरक्की के लिए, दुकान में बेपनाह इजाफे के लिए बहुत ही शानदार दुआ सीखने वाले हैं। ये दुआ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन दुआ रिज्क में इजाफे के लिए मानी जाती है। प्यारे अजीज दोस्तों, ये जो अंगूठी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम अंगूठी नहीं है। इसको तिलिस्मी अंगूठी के नाम से जाना जाता है। इस अंगूठी के अंदर 33 अलग अलग तरीके के ताबीज हैं, जिन ताबीजों की बरकत से जो शख्स भी इस अंगूठी को पहनता है, वो जिस काम को भी हाथ लगाता है उसमें उसको कामयाबी हासिल होती है। और उस शख्स की दुश्मन, बुरी बलाओं, जादू टोना, करना धरना और हर तरह की बुरी नज़र से हिफाजत भी होती है। उस शख्स का दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है जिसके हाथ में ये अंगूठी होगी। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस अंगूठी के पहनने के बाद में इंसान को एक रूहानी सुकून महसूस होता है। इस अंगूठी के पहनने वाले के हर तरह के बिगड़े काम बन जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ये अंगूठी आपके हाथ में हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके आज ही अपने घर पर यह अंगूठी ज़रूर मंगाएँ। इंशाल्लाह आपको बड़े फ़ायदे इससे नसीब होंगे। प्यारे अजीज़ दोस्तों, घर में खैर व बरकत रहे ये तो हर इंसान चाहता है, और वो घर में खैर व बरकत के लिए या कारोबार में, दुकान में बेशुमार तरक्की के लिए बहुत से रास्ते अपनाता है, जिसमें वो वजीफे भी पढ़ता है, दुआएं भी पढ़ता है। और इन सब के करने के बाद भी अगर इंसान लाख कोशिशों के बाद भी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको ये बेहतरीन वजीफ़ा पेश करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने घर में, आप अपने कारोबार में, दुकान में बरकत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वजीफ़ा समझ सकते हैं। इससे आपके घर में रिज्क के दरवाज़े खुल जाएंगे। ये आसान सा वजीफ़ा दुकान घर की बरकतों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और ख़ास माना जाता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जिस शख्स का कोई रोज़गार ना हो या कोई नौकरी वगैरह ना हो, यानी उसके घर खर्च के लिए कोई भी ज़रिया ना हो, और अगर कोई कारोबार है तो उसमें बरकत नहीं होती है, दुकान वगैरह में भी बरकत नहीं होती है, उसके घर में बरकत का नाम ही नहीं है, तो आप लोग इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह आप लोगों की तंदुरुस्ती यानी गरीबी से जुड़ी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में जो बरकत नहीं है, इंशाअल्लाह तबारक व ताला इस दुआ को आप लोग कुछ ही दिन अपने घर में पढ़ेंगे, आपके घर में बेशुमार तरक्की आ जाएगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा वजीफ़ा है, एक छोटी सी दुआ है जो कि हम आपको बताएंगे, और इस दुआ को आप लोगों को पढ़ना है। और बेहतरीन बात यह है कि ये दुआ आपकी स्क्रीन पर हिंदी और अरबी दोनों ज़बान में दिखाई जाएगी, जिससे इस दुआ को हर इंसान आसानी से पढ़ सकता है। और इस दुआ में इतनी ज़्यादा ताकत है, इतनी ज़्यादा बरकत है, इसके पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये वजीफ़ा रिज्क में, रोज़गार में या किसी भी तिजारत के काम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और ख़ास माना जाता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अब आप लोग इस दुआ को पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि अगर आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करेंगे और उसके साथ में कोई वजीफ़ा करेंगे, कोई दुआ पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको गारंटी से फ़ायदा नसीब होगा। इस वजीफ़े को आप लोगों को किसी भी वक्त में कर लेना है, जिस वक्त में आप लोग फ्री हुआ करें उस वक्त में ये वजीफ़ा कर लें। बेहतर है आप लोग सुबह में सोकर उठने के बाद में इस वजीफ़े को करें। वजीफ़ा करते वक्त किसी से भी आप लोगों को बातचीत नहीं करना है, खामोशी के साथ इस वजीफ़े को करना होगा। दुआ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, जिस दुआ को आप लोगों को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ध्यान से प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोग दुआ को अपनी स्क्रीन पर देखें। माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस दुआ को आप लोगों को कम से कम 41 मरतबा पढ़ना है। इसके शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ना भी रिज्क कारोबार में
घर में बेशुमार तरक्की का ज़रिया बनता है। तो दुरूद पाक कोई सा भी 7-7 मरतबा शुरू और आखिर में पढ़ें, उसके दरमियान में यानी कि बीच में 41 मरतबा आप लोग इस दुआ को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह तबारक बताला इसके पढ़ने से प्यारे अजीज़ दोस्तों आपके रिज्क में, आपके कारोबार में, आपके घर में ऐसी तरक्की होगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। प्यारे अजीज़ दोस्तों इस दुआ के पढ़ने से आप लोगों की पैसों से जुड़ी कोई भी दिक्कत या परेशानी होगी तो अल्लाह तबारक बताला अपने करम से आपके सारे मसलों को सुलझा देगा। अल्लाह तबारक बताला आपकी हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा देगा। अल्लाह ना करे आप सभी लोगों की ज़िंदगी में कोई भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल तकलीफ आ गई हो, अगर आ गई है तब आप लोग इस वजीफे के जरिए अपनी उस फाइनेंशियल मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों अगर आप लोगों के पास पैसा पहले से मौजूद है तो भी इस वजीफे की इस दुआ की बरकत से आप उसमें बेशुमार बरकत ला सकते हैं। तो अगर आप लोग प्यारे अजीज दोस्तों अपने रिज्क में, अपने कारोबार में, अपनी दुकान में या अपने घर में बेशुमार बरकतें चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो कमाते हैं उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें इजाफा हो, तब आप लोग इस दुआ को रोज़ाना कम से कम 41 मरतबा मैं अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ज़रूर पढ़ लिया करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, दिल से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और तमाम मुसलमानों में सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।